मैं जो भी कुछ कहने जा रहा हूँ, मेरे परम मित्र, परम सद्रे, परम आदरणीय, मेरे हृदय प्रिय, मेरे अग्रज श्री जयेश कुमार यादव के जन्मदिन पर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, तो आज मैं सारी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ। आए दुनिया वालों, जाना सबको है एक दिन। ये संसार का कड़वा सच है, जो भी मनुष्य जन्म लिया है एक दिन इस संसार से जाएगा। बस जीवन मृत्यु के इस खेल को देखते हुए, संसार की मोह माया को झेलते हुए, आज अपने मित्रों के बीच में मैं बैठ करके वह शब्द आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं, जो आप लोगों को कल्पना लगेगी लेकिन मेरे लिए वह परम सत्य है, जैसे जीवन और मृत्यु सत्य है। कहते हैं कि कल्पना की कल्पना की कल्पना करके जान लो, कल्पना की कल्पना की कल्पना करके जान लो, खुद हो एक कल्पना, इस कल्पना को पहचान लो। मैं हूं हकीकत, मैं हूं हकीकत या तुम हो हकीकत, मेरी कल्पना से खुद की कल्पना को पहचान लो। मेरे बीच में बैठे हुए मेरे परम प्रिय, मैं भाई दीपक भैया, दीपक भैया को आए, आए, आप आए, दिल से आभार व्यक्त करके और सप्रेम भेंट अपने शब्दों का भेंट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उस काबिल नहीं हूँ। थोड़ा सा मेरे सामने आए, आइए कैमरे के सामने, और दुनिया देखे कि दीपक भैया मेरे पास हैं। और मेरा एक भतीजा है अंकित यादव, मेरे परम प्रिय बड़े बाबू के भतीजे, जो मेरा भतीजा है अंकित यादव, और मेरे प्रिय मित्र श्री जयेश कुमार यादव जी, एवं मेरे हृदय में बसने वाले हमारे प्रिय सखा श्री सौरभ यादव बबलू जी, बंद कर दीजिए, और हमारा एक छोटा सा बच्चा, हमारे बेटे का मित्र ऋषभ सिंह उर्फ प्रियम, हम सब लोग बैठ के आज दिल्ली शहर में एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि आप सब तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि इस दुनिया में आप लोगों ने सब लोगों को लाइक किया है, बहुत पसंद किया है, तो ये वर्ड और ये शब्द और ये विचार भी आप तक जाएंगी, लेकिन मैं उस उम्मीद, उस आकांक्षाओं, उस प्रतिभाओं के भागीदार होकर के एक शब्द का ऐसा प्रयोग करना चाहता हूँ जो आप लोग ध्यानपूर्वक सुन। कहते हैं है दुनिया वालों, इस संसार में जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु सत्य है, जाना सबको है। नाना प्रकार की यह अभिवृत्तियाँ आई और चली गई, हम लोग क्या हैं, बस हमें कुछ ना चाहिए, कुछ भी नहीं। कहें जो गम को चाहता है उसे कौन चाहता है, जो गम को चाहता है उसे कौन चाहता है, हम सबको चाहते हैं, हमें कौन चाहता है।